थर्ड आई ट्रेवलर ब्लॉग के नए एपिसोड ऑफ द बीट में आज हम जा रहे हैं हिमाचल के एक गांव सुलियारी में, जो पठानकोट से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। चारों तरफ पहाड़ियां हैं। इस मंदिर की, शिवजी का मंदिर है ये। एक खासियत ये है कि यहाँ पे आपको एक प्राकृतिक झरने के दर्शन होंगे। ये प्राकृतिक झरना हमेशा चलता रहता है। यहाँ पे एक झरना ही नहीं, एक प्राकृतिक गुफा भी है। झरने के बिल्कुल पीछे एक गुफा है जिसमें भगवान शिव जी की पिंडी है। और उससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि उस पिंडी के ऊपर भी झरने का पानी गिरता रहता है। सड़क से लेकर आपको सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ेगा और उसके बाद आपके सामने आता है एक खूबसूरत झरना। ये है खूबसूरत झरना। ये झरने के अंदर से जैसे ही आप अंदर आते हैं तो ये भगवान शिव जी की मूर्ति आपको दिखाई देगी। शिवलिंग मंदिर भी बना रखा है जहाँ पे अक्सर लोग पूजा के लिए आते हैं। भगवान शिव जी का जहाँ पे स्वरूप रखा गया है वहाँ पे भी कुदरती तौर पर जल अभिषेक होता रहता है। बिल्कुल बाईं तरफ एक भव्य मंदिर का निर्माण गांव वालों की तरफ से कर दिया गया है। मंदिर के प्रांगण में एक बड़ा सा आम का पेड़, पेड़ के चारों तरफ छोटी छोटी शराएं जिसमें अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई हैं। देवी देवताओं की मूर्तियां कुदरती झरना। इस मंदिर में भगवान विष्णु की एक मूर्ति भी लगाई गई है। ये मेरे बिल्कुल बाईं तरफ ही एक रास्ता झरने के बाईं तरफ से, एक रास्ता झरने के दाईं तरफ से बनाया गया है जिसके ऊपर गांव वालों ने लोहे का पुल डाल दिया है। एक सामने पक्का पुल भी है और ये पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, 5 से 6 फुट का पानी है और बच्चे यहाँ पे आके स्विमिंग का आनंद लेते हैं। ये मंदिर का प्रांगण भी बहुत बड़ा है। यहाँ पे लंगर की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पे अक्सर लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं। यहाँ पे एक हवन कुंड भी है, एक परमानेंट धुना है। धुने में हमेशा आग जलाई जाती है। ये धुना बाबा बालकनाथ जी के नाम का है और ये जो पिछला हिस्सा है यहाँ पे लोगों के रहने के लिए, दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। मेरा ख्याल है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा एपिसोड पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर चलेंगे ऐसी ही किसी यात्रा पे। धन्यवाद।